दुनिया के सबसे पुराने और सबसे विविध धर्मों में से एक हिंदू धर्म की ऐतिहासिक गहराइयों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल हिंदुइज्म में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम जटिलताओं को उजागर करेंगे और हिंदू इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री का पता लगाएंगे। हिंदू धर्म की जड़ें 4000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसके प्रारंभिक ग्रंथ वेदों की रचना 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। संस्कृत में लिखे गए इन ग्रंथों में भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक प्रवचन सहित दार्शनिक ज्ञान के एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल है। हिंदू धर्म का इतिहास प्राचीन भारतीय सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के उत्थान और प्रस्थान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इन सभ्यताओं ने हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं की नींव रखी, जिससे आने वाली सदियों के लिए इनको धार्मिक और सामाजिक परिदृश्यों का आकार मिला। समय के साथ साथ हिंदू धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर फैल गया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे पश्चिमी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। विचारों के आदान प्रदान, व्यापार और सांस्कृतिक संदर्भ में विविध हिंदू परंपराओं और प्रथाओं का उदय हुआ। हिंदू धर्म का केंद्र उसकी समृद्ध दार्शनिक विरासत है, जिसमें वेदांत, साक्ष्य, योग और न्याय सहित विचारों के स्कूलों की एक विशिष्ट श्रृंखला शामिल है। ये दार्शनिक प्रणालियाँ वास्तविकता की प्रकृति, सह और ब्रह्मांड के बारे में बुनियादी सवालों का पता लगाती है और मानव स्थिति में ग्रहण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हिंदू धर्म के केंद्र में इसके असंख्य देवी देवता है, जिसमें से प्रत्येक ईश्वर विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वोच्च निर्माता ब्रह्मा से लेकर संहारक शिव और पालन पोषण करने वाले देवी देवी तक हिंदू धर्म का देवालय विशाल और विविध है, जो अस्तित्व की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाता है। आज हिंदू धर्म लगातार विकसित हो रहा है और बदलते समय के अनुरूप ढल रहा है। अपने प्राचीन परंपराओं पर कायम रहते हुए नई पद्धतियों और सांस्कृतिक प्रभावों को अपना रहा है। विस्तृत मंदिर अनुष्ठानों से लेकर जीवंत त्योहारों और आध्यात्मिक प्रथाओं तक हिंदू धर्म दुनिया में एक जीवंत और गतिशील शक्ति बना हुआ है। जैसे ही हम हिंदू धर्म की ऐतिहासिक यात्रा की अपनी खोज समाप्त करते हैं, हम आपको इसके कालातीत ज्ञान में गहराई से उतरने और जीवन चेतना और ब्रह्मांड की प्रकृति में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान अंतर्दृष्टि की खोज करने के लिए आमंत्रण करते हैं।